शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हल्दी की गांठ से आप भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करेंगे ताकि धन का आवागमन हमेशा बना रहे। आवागमन इसी आवाना ही आना नहीं होता, गमन भी होना चाहिए, इसलिए आवागमन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट शिवागो.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। तो चलिए हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। देखिए, दीपावली 1 नवंबर को है, तो उस दिन जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसमें आपको पूजा करना है। शुभ मुहूर्त हम इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, पर दोष काल में भी कर सकते हैं। तो उस दिन एक पीला कपड़ा लीजिएगा और उसमें 11 हल्दी की गांठें आपको बांधनी है, मतलब 11 जो हल्दी का गांठ होगा बिना टूटा हुआ वो उस पीले कपड़े में बांध देना है। पूजा के समय में आपको ये भगवान श्री गणेश को अर्पित करना है। पूजन कक्ष में एक काम और कीजिएगा कि लक्ष्मी गणेश के फोटो के सामने आपको घी का एक लौता दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग डालना है। फिर आप पूजा कीजिए, चंदन पुष्प वगैरह चढ़ाइए, जो भी आपको करना है पूजन कीजिए। उसके बाद आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र होगा ओम श्री गणेशाय नमः, सिंपल मंत्र है, गणेश जी का कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। कितना माला? 11 माला। उसके बाद पीले कपड़े में जो हल्दियां जो बंधी हुई थी, आप पीले कपड़ों की गांठों को खोल दीजिए। उसके बाद सारे हल्दी जो 11 हल्दी हैं उसे निकालिए और अपने धन स्थान में रख दिए, तिजोरी में रख दीजिए, जहां आप अपने गहने वगैरह रखते हैं या जहां पे आप थोड़ा बहुत धन रखते हैं, कैश रखते हैं, आप वहां पे रख दीजिए। आप चाहें तो अपने यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो कैश काउंटर है वहां रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी तरक्की होती चली जा रही है, पैसा आ रहा है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।